बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकमील दीन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरा प्यारा सा अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल तकमील दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस से जुड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब बरात में माफ़ी मांगिए गुनाह माफ़। हज़रत अली करमुल्ला वजहों से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान के 15वें रात आए तो इस रात में अल्लाह के हजूर नवाफिल पढ़ो, इस दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात ग़ुरूब आफ्ताब होते ही अल्लाह ताला की ख़ास तजल्ली और रहमत पहले आसमान पर उतर आती हैं और वो इरशाद फरमाता है कोई बंदा जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़रत तलब करे और मैं उसकी मग़फ़रत का फ़ैसला करूं, कोई बंदा है जो रोज़ी मांगे और मैं उसको रोज़ी देने का फ़ैसला करूं, कोई मुब्तलाए मुसीबत बंदा है जो मुझसे सेहत और आफ़ियत का सवाल करे और मैं उसको आफ़ियत अता करूं, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के आजतमंदों को अल्लाह पुकारता है कि वो इस वक़्त मुझसे अपनी आजतें मांगें और मैं अता करूं। ग़ुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक अल्लाह ताला की रहमत इसी तरह अपने बंदों को पुकारती रहती है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को इस दिन तिलावत, नमाज, नवाफिल वग़ैरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सब को इस रात बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल तकमील दीन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।